टीवी एक्ट्रेस आशा नेगी और एक्टर ऋत्विक धनजानी का ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप के बाद आशा नेगी रिलेशनशिप टूटने पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है और इसी इमोशनल होने के चलते इमोशनली बात कहती हुई नजर आई है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि लोग बिछड़ जाते हैं लेकिन उनके लिए प्यार और दया नहीं मरती। बता दें कि टीवी की मशहूर एक्ट्रेस आशा नेगी ने पिछले साल वेब शो बारिश के साथ एक डिजिटल डेब्यू किया था। इस शो का दूसरा सीजन कुछ हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ जिसे अच्छे रिव्यू भी मिले। आशा ने फिल्मों में भी लूडो से डेब्यू किया। ये फिल्म 2020 की शुरुआत में ही रिलीज होनी थी लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया गया। बता दें कि आशा के अच्छे खासे ऑफर हैं, उनका प्रोफेशनल फ्रंट बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस बीच खबर थी कि आशा और ऋत्विक धनजानी अब अलग हो चुके हैं। पिछले 6 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एक इंटरव्यू के वक्त आशा से जब उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग बिछड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन उनके लिए प्यार आज भी बरकरार रहता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो बंधन को ऐसे बनाए रखना चाहेंगी जो नॉर्मली इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगी कि वो हमेशा मेरे लिए रहेंगी और मैं अपने निजी जीवन के बारे में इतनी बात ही करना चाहती हूँ। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आशा और ऋत्विक ने इस सीरियल पवित्र रिश्ता में एक साथ काम करने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। टीवी स्क्रीन पर इनकी जोड़ी को इनके फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था। साल 2013 के नवंबर में दोनों ने फाइनली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने का अनाउंसमेंट भी कर दिया था। इसके कुछ वक्त बाद दोनों ने शादी की खबरें भी आने लगी सामने। दोनों ने शादी का फैसला भी लिया लेकिन इसके साथ ही दोनों ने इसे अफवाह बताते हुए इस शादी को झूठी खबर बता दिया। वेल, तो ये है पूरा सच जिसका राज हमने आप सबके सामने खोल दिया है। क्या कहना है आप सबका ये बताना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।